हेलो बच्चों, वेलकम टू दीप बायोलॉजी। हम लोग नर्वस सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे हैं। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग ओवरऑल पूरा डिटेल अबाउट ब्रेन के बारे में पढ़े। इसके बाद हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को देख रहे थे। अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करोगे तो स्पाइनल कॉर्ड में हमने स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखा। इसके बाद हम लोगों ने आपका पिछले लेक्चर में एक वर्ड हम लेकर के आए थे, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। आज उसी को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। दो वर्ड होता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन और एनदर वन इज क्या कहिएगा, रिफ्लेक्स आर्क। अगर रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को देखें तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसी को हम लोग डिटेल में आज समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर रिफ्लेक्स एक्शन होता इसीलिए है कि कोई भी हमारे बॉडी का पार्ट आपका एबनॉर्मल कंडीशन में एक्सेस बर्बाद ना हो, उस बर्बादी से बचने के लिए हमारे बॉडी में एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। यह रिफ्लेक्स एक्शन कंडीशनल भी होगा और यह रिफ्लेक्स एक्शन अनकंडीशनल। अब यहां पर ब्रेन में क्वेश्चन आएगा कि ये कंडीशनल रिफ्लेक्स और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स का क्या मीनिंग होगा। चलिए गौर करिएगा, तो कंडीशनल एंड अनकंडीशनल में बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे गौर करोगे, एक रिफ्लेक्स ऐसा होगा जो सिंस बर्थ लेकर के आएंगे, जन्म से लेकर के आएंगे। जो कंडीशनल यानी जन्म से लेकर आएंगे, दैट इज क्या कहिएगा, आपका अनकंडीशनल। दैट मींस जैसे मान लो कोई भी बच्चा है, उस बच्चे को भूख लगती है और वो बच्चा रोना स्टार्ट करता है, तो ये उस बच्चे को सिखाया नहीं गया। यानी वो बच्चा जन्म से लेकर के इसको आया है, तो दैट इज क्या कहोगे, अनकंडीशनल। यानी उसको भूख लगी और ऑटोमेटिक क्या कहिएगा, और रोना स्टार्ट कर दिया। ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्स था। और कंडीशनल जिसको आपने कंडीशन दिया, जैसे सिंपली अगर हम आपसे पूछे कि आज आप चोरी करते हो, तो जो हम चोरी करते हो ये पूछेंगे, तो आप वहां पर क्या करोगे, सोचोगे कि सच में हम चोरी करते हैं नहीं करते, ये क्या हो गया, ये कंडीशन पर डिपेंड हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए एक चाटा घींच करके अगर मारे आपको, ऑटोमेटिक हड़बड़ा के पीछे भागोगे, तो वहां पर क्या कहोगे, ये आपका बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो समय के साथ चेंज हो जाते हैं। जैसे आप सिंपली किसी बच्चे को देखोगे,
आपका छोटा सा बच्चा है, कहीं पर अगर मान लीजिए लैंप भी जल रहा है ना, कहीं पर आग रखा हुआ है ना, तो उसके बारे में उसको पता नहीं है, वो जाएगा और जाकर के आग को छूना चाहेगा। अब बार बार वो आग को पकड़ना चाहता है क्योंकि उसके बारे में उसको पता नहीं है। जब वो बच्चा जाकर के एक बार आग को टच कर देगा ना, उसके बाद अब देखो वो किसी भी कंडीशन में आपका दोबारा टच नहीं करने जाएगा, क्योंकि उसको कंडीशन एक बार मिल चुका है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे सिंपली आप लोग बहुत सारा डाइट या भोजन, सबसे प्यारा भोजन जैसे आप लोग का सिंपली गोलगप्पा जिसको कहते हो, अगर अभी मान लीजिए आपको गोलगप्पा यानी फुचका, अगर गोलगप्पे या फुचके के बारे में अगर हम कहेंगे ना, तो ऑटोमेटिक है क्या होगा, सलाइवेशन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत दिन से मिला भी नहीं होगा सबको, तो ये जो सलाइवेशन आपका स्टार्ट होगा ना, ये हुआ क्यों, क्योंकि इसके बारे में आपको पता है पहले से कि भाई फुचका, अभी खास करके पर्टिकुलर ठेले वाले का नाम दे दिया जाए जो आपके नजर में बहुत पॉपुलर हो, तो गौर करिएगा आप जूस के बारे में सोचोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, भी सलाइवेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप फुचका का पहले से स्वाद ले चुके हो, यानी कंडीशन आपको मालूम है ना, यानी नाम लेते ही सेक्रेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन मान लो आप किसी अंग्रेज को बुलाओ और अंग्रेज को क्या कहो, बार बार कहो फुचका फुचका, कहो तो कुछ भी उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता नहीं कि फुचका क्या कहना चाह रहा है, नहीं लेकिन कुछ बोलो नहीं, उसके मुंह में डाल दो, ऑटोमेटिक देखिए तब वो सेक्रेशन क्या करेगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक बार आपने कंडीशन दिया, उसके बाद वो काम क्या कहिएगा, कंटिन्यू चलते रहता है। तो हमारे बॉडी में ये जो रिफ्लेक्स एक्शन की बात होती है, ये आखिर में होता क्यों है। जैसे आपने क्या बोला कि बच्चा जो आपका आंख के पास ले गया और टच होते हुए हटा लिया, उसके बाद आप उसको टच करवाओगे ना, बार बार घींच करके ले जाओगे तो वहां पर रोना शुरू कर देगा। क्यों, एक बार उसको पता चल चुका है और वो क्या कहेगा, दोबारा उसके पास क्या कहेगा, टच करने कभी नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर ये एक्शन ना होता, अब देखते ना टच करते तुरंत हटा लेता है, यानी यहां पर क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन की बात हुई। लेकिन हां, ये रिफ्लेक्स एक्शन भी दो तरह का होगा। एक हमने बोला था ना आर्क, जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपको एग्जांपल दिया था कि सिंपली आप मान लो कहीं पर भी जा रहे हो तो आपके पैर के नीचे कोई भी चीज पड़ा ना, तो जो कोई चीज पड़ेगा तो उसका इमीडिएट आप पैर को हटाते हो, एक्शन की बात होती है। लेकिन उसी पैर के नीचे एक रेड, मान लीजिए हॉट, अगर कोई रेड, हम बोले थे एग्जांपल, मान लो कोई छोटा भाई है और गर्म एकदम करके हम रेड हुआ रेड आपका ला के रख दिया, अब जो आपका पैर पड़ेगा ना, तो देखना वहां पर तेजी से पैर को हटाओगे, और जब बहुत तेजी से पैर को हटाओगे उसकी कुछ सेकंड के बाद, कुछ सेकंड के कुछ फ्रैक्शन के बाद उस जलन का एहसास होता है, जैसे हमने तावा पर हाथ बोला था। नहीं, तो कहने का मतलब ये चला क्यों, ये डैमेज ना हो, हमारे बॉडी का पार्ट क्या कहिएगा, बर्बाद ना हो, इसीलिए हमारे बॉडी में ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी में नेचुरली पाया जाता है। तो अगर एक लाइन में यहां पर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या करता है, इमीडिएट रेस्पॉन्स। ऐसा तो है कि चाटा घींच के मारेंगे उसके बाद थोड़ी देर, अरे चोट लगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कुछ देर सोच के लिए उसके बाद लगा, अरे चोट लगा, मतलब यहां एरिया कुछ गड़बड़ है। लेकिन आप देखते ना क्विक एक्शन करते हैं, तो ये ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन। तो एक रिफ्लेक्स एक्शन इमीडिएट स्पॉन्टेनियस एकदम सडनली, कभी कभी देखिए अचानक कोई मान लिया बैठे हो तीन से पिंचू जो पिन लगाए तो उछल गए आप, कि क्या हो गया, ऐसा थोड़े कि सोच के अरे उछलने वाले हैं, ऐसा नहीं हुआ, आपने इमीडिएट आपका क्या किया, उछल गया। तो ये कह रहा है कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन इज इमीडिएट, दैट इज स्पॉन्टेनियस और साथ साथ इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री नहीं है वो, इनवॉलेंट्री है। अब कहिएगा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया, जैसे आप कहते हो क्या वॉलेंट्री, जैसे मान लो बोलना चाह रहे, मेरी इच्छा होगी तो हम बोलेंगे, चुप तो मेरी इच्छा होगी तो हम बोलेंगे, ये क्या हो गया, ये वॉलेंट्री एक्शन हो गया। लेकिन अगर मान लो पीछे से कोई पिन देगा और उसके बाद कहेगा मेरी इच्छा होगी तो चल के भागेंगे,
ऐसा थोड़े होगा, वो क्या होगा, इनवॉलेंट्री होगा। अब जैसे टंग है, आप टंग को कहोगे, चूंकि बहुत सारा इस पर अलग सेपरेट हम लेक्चर एक देंगे ये क्या क्या कैसे चेंज होता है, लेकिन टंग है। अब मान लीजिए टंग को कोई कहेगा पकड़ लो टंग को, और उसको पकड़ के बुलाओ तो किसी को, तो बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। यानी टंग का रोटेट करना ये इनवॉलेंट्री एज वेल एज वॉलेंट्री। बहुत सारा ऐसा बॉडी में, किसी को मारना है हम जब चाहेंगे तब मारेंगे नहीं। अब हार्ट बीट है, अब हार्ट बीट आप कहोगे हार्ट बीट रुक जा थोड़ा तो, दो मिनट के बाद बीट करना, ऐसा थोड़े होगा, ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। अब जैसे सांस लेना, यहां पर बेटा बहुत इस पर हम क्या बोले सेपरेट बताएंगे कि ये सांस लेना आप चाह करके लेते हो, कभी आपका क्या कहते हो नेचुरली आपका होता है कि नहीं होता है, जैसे बिना सोचे आप सांस लो उस समय आपका इनवॉलेंट्री एक्शन चल रहा है, लेकिन जो आप सोच लोगे मन में हमको सांस लेना है, तब आप एक मिनट में शायद आपका 14 से 16 जो काउंट करोगे ये आपका नहीं हो पाएगा। ये सब एज वेल एज घटनाएं होती हैं, अभी उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, अभी चूंकि हमको बहुत डिटेल में रिफ्लेक्स एक्शन की बात करना है, और एनसीईआरटी इसको चूंकि पढ़ाया इसीलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इनवॉलेंट्री और अनकंशियस क्या कहेगा, रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुली, यानी अगेंस्ट स्टिमुली। ये अगेंस्ट स्टिमुली का मतलब, जैसे आप बैठे थे पीछे से कोई पिन लगाया, तो ये पिन का देना ये क्या हो गया, दैट इज क्या कहिएगा, ये स्टिमुलस हुआ, पिन आपका जो आपका चुभा तो आप एक्साइटेशन आप में आया, तो वो जो एक्साइटेशन हुआ वो जो रिजल्ट आपने दिया, इसी रिजल्ट को तो हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो यही कह रहा है कि आपका इट है रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर न्यूरल एक्टिविटी ऑफ बॉडी, यानी फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, यानी आप भी समझो ये फर्स्ट यानी प्राइमरी ऑर्डर है, दैट इज क्या कहिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन। क्योंकि इस पर बहुत सारी बातें हम बार बार बोल रहे हैं, जब वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री को सेपरेट करेंगे ना, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर कैसे कोरिलेट होता है वो सेपरेट एक अलग से देखेंगे, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में आ जाए। और दूसरी बात, इट इज वेरी फास्ट एक्शन, अभी तुरंत हम बोले ना जो टच हुआ, अब फिर टच की क्वालिटी पर भी है, टच की क्वालिटी पर। हमने क्या बोला, आपका अगर मान लीजिए ये मार्कर है और ये मार्कर अगर ऐसे हाथ में पड़ेगा तो ये आपका पड़ेगा, उसके बाद इसका रिस्पॉन्स दोगे, ये रिस्पॉन्स आप दोगे, इसको हटाओगे, लेकिन कल्पना करो यही आपका पिन रहता, ये निडल रहता, तब ऐसे करके पड़ता, तो वहां पर देखिए एक्शन में क्या होता, अंतर हो जाता है, तो एक रिफ्लेक्स आर्क यानी फास्ट प्रोसेस हो जाता है। तो खैर आगे देखिएगा, और कंट्रोल बाय सीएनएस, बट क्या कहेगा, मैक्सिमम कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। बेटा सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों कंट्रोल करेंगे, लेकिन उन दोनों में सबसे बड़ा रोल किसका होगा, स्पाइनल कॉर्ड का, चूंकि स्पाइनल हमारा कॉर्ड ही ये आने जाने का ये सारा रास्ता बनेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, नहीं, स्पाइनल कॉर्ड भी करेगा और ब्रेन भी करेगा, लेकिन दोनों में डोमिनेंट हमारा कौन होगा, दैट इज क्या कहिएगा, स्पाइनल कॉर्ड। और ये बेटा दो होगा, एक क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन, दैट मींस ब्रेन से कंट्रोल होगा, क्योंकि याद होगा ब्रेन कवर करने वाला कौन, क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, इसलिए यहां से नाम पड़ गया, दैट इज क्रेनियल। तो गौर करिएगा, ये मॉड्यूलेशन या इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होगा। अगर हमारा कौन रिफ्लेक्स एक्शन, क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन, हमने बोला ना कि हमारे बॉडी में क्या होगा, क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन यानी रिफ्लेक्स एक्शन में दोनों इन्वॉल्व है, कौन, ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो उसको हम क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे, और अगर ये स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा तो दैट इज क्या कहेगा, स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या कहिएगा, एक्शन कहेंगे। और ये अनकंडीशनल और कंडीशनल। अनकंडीशनल बेटा क्या, प्रेजेंट इन एनिमल सिंस बर्थ। कंडीशन थोड़े देना पड़ा बच्चे को कि आपको भूख लगी है, ये बच्चे को बताना नहीं पड़ा कि बच्चा को भूख लगी है, वो क्या हो गया, नेचुरली जन्म से लेके आया था। तो जो जन्म से लेकर के आपका आएगा, दैट इज क्या कहिएगा, कंडीशनल क्या कहिएगा, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। और गौर करिए प्रेजेंट क्या क्या, थ्रू आउट द लाइफ, दैट इज हेरिटेबल। बेटा ये जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होता है, जैसे सलाइवेशन है, इसको बेटा दोनों तरफ इसको चेंज करते हैं। हम बार बार कर रहे हैं थोड़ा वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री नहीं पढ़ा है, इसीलिए थोड़ा टेंशन हो रहा होगा, लेकिन गौर क्या, अच्छा एक कंडीशनल क्या होगा, जिसमें आपको कंडीशन दिया जाएगा,
जैसे हमने क्या बोला, आपको कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आपको मार रहे हैं, तो दैट इज क्या कहिएगा, आपका वो क्या हो जाएगा, कंडीशनल क्या कहिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट होगा। जैसे कि एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम लर्निंग ट्रेनिंग, जैसे आपको ट्रेनिंग दिया गया, नहीं अब जैसे आपको चलने के लिए, आपको साइकिल चलाने के लिए बहुत जगह पर, या कह सकते हैं नॉलेज इन एक्सप्रेशन मे बी लॉस्ट या नॉट, क्या ये सबसे बड़ी बात है, हेरिटेबल नहीं होगा। खैर वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री वाले पर फुल्ली डिपेंड है, कोई बहुत बड़ी इसमें बात नहीं है, एकदम आसान चीज है। खैर एक हमने बोला जन्म से आया और एक जन्म के बाद, लेकिन सबसे बड़ी चीज एक यहां पर हम सो कॉल नी जर्क एक्सपेरिमेंट हमको पढ़ना है। ये बहुत बड़ा नहीं है, ये हल्का चीज है कि भाई जन्म से लेकर क्या है, दैट इज अनकंडीशनल, और जन्म के बाद आपने सीखा दैट इज कंडीशनल, और एक्शन मतलब कोई भी एक्टिविटी के रिगार्डिंग आपने जो एक्शन लिया। लेकिन सबसे बड़ा इस रिफ्लेक्स एक्शन में आज हमको पढ़ना है, दैट इज एनसीईआरटी ने चूंकि इसको अच्छे तरीके से पढ़ाया तो हम इसी के बारे में डिटेल आपको भी फोकस करेंगे, आपका नी क्या कहिएगा, जर्क एक्सपेरिमेंट। उसके पहले हम पिछले लेक्चर में एक आपको डायग्राम समझाए थे, आप इस डायग्राम को यहां पर ध्यान से देखोगे, इस डायग्राम में अगर आप देखिएगा तो सभी के पास यहां पर होगा क्या कि नीचे में देखोगे एक पैर यहां पर होगा, ध्यान से सभी कोई देखोगे, इसको समझिए चूंकि इसी से हमको कोरिलेट करना है। और यहां पर जो देखोगे एक पैर होगा, ये जो पैर है इस पैर में क्या लगाया गया, एक निडल नीचे से लगा, तो निडल जब लगा है पैर में तो यहां से देखोगे स्टिमुलस एक लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा जी, स्पाइनल क्या कहिएगा, कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड की किस साइड, पोस्टीरियर वाले हॉर्न, याद होगा जिसको हमने क्या बोला था, डॉर्सल, यानी बॉडी के हमारे पीछे से गया था ना, तो दिस इज डॉर्सल रूट, और कहां गया, स्पाइनल कॉर्ड। अब फिर उसके बाद देखोगे वो चले जाता था बोले तो ब्रेन को जाएगा, वहां रिकॉग्नाइज करता था, और गौर करिएगा एक क्या होता था, यहां से डायरेक्ट ऑर्डर इंटीरियर में चले जाता था, और इंटीरियर में आने के बाद ये यहां से क्या करता था, रिस्पॉन्स देता था। इसी को हम डिटेल में ये नी जर्क एक्सपेरिमेंट पर ला करके समझते हैं। अब बेटा ध्यान से इसको देखोगे ये आखिर में एक्सपेरिमेंट कहता क्या चीज है। सबसे पहले एग्जांपल को समझिए, आप सभी को ही डॉक्टर साहब के यहां जाने का मौका लगता, आपको नहीं लगता होगा, पापा लोग को मान लीजिए, या मान लीजिए कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में, खास करके ओल्ड एज होने के बाद, या किसी तरह का नी ज्वाइंट प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि कभी डॉक्टर साहब के पास जाने के बाद, गौर करिएगा ये जो आपका यहां पर ये पोर्शन है ना, दैट इज क्या कहिएगा, आपका नी, इसी के ऊपर देखिएगा एक हम हैम्पर तो नहीं, बहुत बड़ा हथौड़ा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा हैमर होता है जिससे वहां पर ऐसे करके नॉक करते हैं, और वो नॉक करके बेटा इसके एक्शन को यानी इसके प्रॉब्लम को वहां पर देखना चाहते हैं। तो आखिर में वहां पर क्या घटनाएं घटती है, हम इसी चीज को डिटेल में समझना चाहेंगे। सब कोई ध्यान से यहां देखोगे, जैसे कि इसको समझिएगा, ये आपका दैट इज क्या कहिएगा, ये आपका पैर है, नहीं जिसको कह सकते हैं यहां पर आपका ये ठेहुना जिसको आप बोलते हो, नहीं यहां पर एक पता ही होगा सबको, दैट इज इस जगह पर आपका पटेला, नहीं ये पटेला, पटने से याद रखो पटा लिया, दैट इज पटेला। तो गौर करिएगा यहां पर ध्यान दोगे, ये आपका जो सो कॉल्ड ये आपका नी ज्वाइंट है, यहीं पर एक बोन होता है दैट इज पटेला। एकदम कॉन्शियस होके देखोगे, ध्यान को मत भटकाओगे, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है बट बहुत इजी वे में इसको समझाने का कोशिश करेंगे, इसलिए सभी को यहां बोर्ड को ध्यान से देखिएगा, ये गौर करिएगा, ये हमारा क्या कहिएगा, ये आपका दैट इज पटेला, यानी पटा लिया पटेला याद रखना। और बेटा इसी के ऊपर ध्यान से देखोगे, यहां पर डॉक्टर साहब क्या करते हैं, एक हैमर रखे रहते हैं, सो को हो सकता है वो आपका लोहे का नहीं होता है बट वो लकड़ी का ही मान लीजिए बना करके रखे हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस पर जर्क देंगे, यहां पर जब जर्क देते हैं ना तो वो होता क्या है, ये पैर आगे की तरफ झटका मारेगा,
यानी ये पैर आगे की तरफ जाएगा। आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, चूंकि हम यहां दिखा नहीं सकते हैं, पैर दिखेगा नहीं, और यहां पर जो आपका ऐसे चोट करते हैं ना, तो पैर ऐसे आगे की तरफ छटक के जाता है। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं, वहां पर ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है कि आपका ऐसा करके क्या कहेगा, इसी को कहते नी जर्क एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी ने क्या किया, डायग्राम को तो बना दिया है, लेकिन उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन नहीं किया। तो इसी को हम लोग एक्सप्लेन यहां करने का कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो दिखाए हैं बेटा, यहां पर क्या है, आपको पता होगा स्पाइनल कॉर्ड का टीएस है। ये आप कल्पना करिएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड का टीएस है। बेटा होगा क्या, हमारे सोकोल्ड या पटेला से क्या होगा, स्टिमुलस चलेगा। याद है ना, दो तरह का था, एक क्या था, अफरेंट, यानी बुला लो अफरेंट, आओ अफरेंट, बोले थे याद रखने के लिए, अफरेंट माने आ जाओ, ऐसे है ना, तो ऐसे अफरेंट आओ, यानी कहने का मतलब कि हमारे पैर के पास अगर स्टिमुलस टच होगा तो वहां से एक स्टिमुलस, यानी वो जो रिसीव करेगा स्टिमुलस, ये एक न्यूरॉन लेके चलेगा, और ये न्यूरॉन लेके कहां जाएगा, तो दैट इज हमारे स्पाइनल कॉर्ड को देने जाएगा। तो जो न्यूरॉन लेकर के जाएगा, अच्छा स्पाइनल कॉर्ड कहां लेके जाएगा, वो जाके कहेगा ब्रेन तुम ले लो, तुम पहचानो क्या चीज टच हुआ है, ये क्या चीज है, उसका हमको कैसा एक्शन देना है, क्योंकि एक्शन अपने से नहीं होता है, एक्शन हमारा ऐसे ब्रेन ऑर्डर देता है। तो जब ऑर्डर की बात आएगी तो बेटा याद करो मोटर, यानी मोटर क्या करता, ऑर्डर देता है और सेंसरी और रिसीव करता है। तो स्टिमुलस को रिसीव किया जाएगा कब जी, जब यहां पर आपका हैमर से चोट दिया गया, तो देखिए क्या होता है, ध्यान से देखोगे, ये ऊपर में यहां पर बेटा रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर्स यहां पर मसल्स होते हैं, और इसमें एक बहुत पॉपुलर मसल होता है क्वाड्रिप्टस मसल। ध्यान से देखोगे कहां पर, तो यहां पर होगा क्वाड्रिप्टस मसल, दैट इज ऊपर वाले पोर्शन में, और नीचे वाले पोर्शन में होता है आपका हैमस्ट्रिंग, क्या कहिएगा मसल, हैमस्ट्रिंग मसल। दो ही मसल याद रखना, ज्यादा नहीं बोलेंगे, एक हैमस्ट्रिंग मसल और एक हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज क्वाड्रेटस मसल। तो क्वाड्रेटस मसल कहां पर होगा, हमारा जो ठेवना होता है ना, इसके ऊपर होगा, कौन सा मसल, क्वाड्रेटस मसल, ये ऊपर वाले पोर्शन में। और बेटा नीचे, जैसे ऐसे मान लीजिए ये आपका ऐसे करके है ना ठेवना, ये ऊपर वाला ये, और ये नीचे यानी अंदर से यहां पर जो होता है, दैट इज क्या कहिएगा, हैमस्ट्रिंग क्या कहिएगा मसल होता है। ये दो मसल काम करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम क्वाड्रेटस मसल के ऊपर, बस हम ये कहना चाह रहे हैं क्या, यहां पर स्टिमुलस है, और जो ये हथौड़े का या किसी भी तरह का चोट उस पर जाएगा तो होगा क्या, यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेज होंगे। कहां पर होंगे, तो ये जो आपका रिसेप्टर्स हैं, कहां पर रिसेप्टर्स हैं, तो ये ऊपर वाले मसल्स पर हैं। कब ये रिसेप्टर एक्साइट होंगे, जब यहां से स्टिमुलस पड़ेगा। कैसा स्टिमुलस पड़ा, किसी भी तरह का हमने वहां पर जर्क दिया, चोट दिया, तो चोट दिया वो स्टिमुलस वहां पर दिया, और जब स्टिमुलस उस पर पड़ेगा तो यहां से स्टिमुलस यानी पटेला वाले से जाएगा इस मसल के पास। ये बहुत अलग अलग तरह के मसल्स हैं, एमबीबीएस में जाके डिटेल में पढ़ना होगा, अभी पढ़ना भी नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा एक दो मसल का नाम दे देते हैं बार बार। तो दैट इज यहां पर हमने बोला ना इस एरिया में पाए जाते हैं, खैर वहां पर ये स्टिमुलस जाएगा। जब बेटा स्टिमुलस जाएगा तो वहां पर कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेज होंगे, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेज के बाद हम बोले थे एफरेंट आ जा, ब्रेन के पास जाना है ना, तो यहां से ये इंपल्स आगे बढ़ेगा बेटा, आगे जाएगा, कहां जाएगा जी, ब्रेन को। कब, पहले स्पाइनल कॉर्ड देन ब्रेन, हम क्या बोल रहे हैं आ जाओ, यानी आ रहा है ना, इसलिए याद रखना एफरेंट बुला रहा है। अब ये देखिए रेड वाला जो जा रहा है ना, ये दैट इज एफरेंट पाथवे,
ये बेटा लेके चलेगा, एक्सोन आगे जाएगा। आपको याद है ना कि पीछे में क्या होता था, डॉर्सल रूट गैंग्लियाई। आपको याद होगा हम दो टर्म का यूज किए थे, एक गैंग्लियाई और एक हमने यूज किया था क्या, न्यूक्लियाई। आपको याद होगा गैंग्लियाई और न्यूक्लियाई क्या चीज था, एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे मान लो यहां पर ध्यान दोगे, अच्छा यहां देखोगे ध्यान से दिख रहा है यहां पर, अगर यहां देखा जाए तो दैट इज आपका, देखो यहां ध्यान से, अगर मान लो ये आपका इस तरह से न्यूरॉन है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर ये न्यूरॉन है तो बेटा न्यूरॉन का ये पार्ट नीचे एक्सोन और ये आपका दैट इज क्या कहिएगा, ये लंबा वाला क्या एक्सोन और ये क्या कहिएगा साइटोन, इसे साइटोन को सोमा कहते हैं या दैट इज सेल बॉडी। तो ये आपका साइटोन, ये एक्सोन, ये टर्मिनल, और याद रखिएगा तो ये ऐसे ऐसे करके ध्यान दोगे, ये हमारे बहुत सारे आपका न्यूरॉन है, ये बहुत सारे इस तरह से आपके न्यूरॉन्स हैं, ये बहुत सारे आपका ऐसे करके न्यूरॉन्स हैं। और अगर ये न्यूरॉन्स हैं ना तो बेटा याद रखना ये जो साइटोन है यानी कि सोमा, साइटोन यानी कि सोमा। अब ये साइटोन हमारे बॉडी में दो जगह होता है, एक बेटा होता है कहां, सीएनएस में, सीएनएस में, और एक या कहां पर होता है तो दैट इज पीएनएस में। पीएनएस और सीएनएस याद ही होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये साइटोन या सोमा कहां पर होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सीएनएस में होगा, तब बेटा इसका नाम क्या देंगे, न्यूक्लियाई। याद रखिएगा, यानी जब ये सीएनएस में साइटोन होगा तो नाम देंगे न्यूक्लियाई, और अगर ये पीएनएस में होगा तो इसी का नाम होगा गैंग्लियोन, दैट इज गैंग्लियोन। तो बेटा ध्यान देना, हमने यहां पर क्या नाम दिया, डॉर्सल रूट गैंग्लियोन। ये डॉर्सल रूट गैंग्लियोन का मतलब दैट इज ये जो आपका ये जो साइटोन है, ये जो साइटोन है ये कहां पर लोकेटेड है, तो इस स्पाइनल कॉर्ड के बाहर। इसलिए अच्छा डॉर्सल क्यों नाम पड़ा, हमको पता है ना कि बॉडी के पिछले हिस्सा को डॉर्सल और अगले हिस्सा को वेंट्रल, तो इधर से न्यूरॉन आ रहा है तो बॉडी के पीछे से जा रहा है, तो दैट इज डॉर्सल रूट गैंग्लियाई। और ये गैंग्लियाई, अब देखिए न्यूरॉन नर्व सेल जब जानते हो तो नर्व सेल एक होता है यूनिपोलर, एक होता है बाइपोलर, एक होता है मल्टीपोलर, इसी तरह एक तरह से होता है स्यूडो बाइपोलर न्यूरॉन, स्यूडो बाइपोलर। तो ये स्यूडो बाइपोलर क्या, सिंपल वे में देखोगे जैसे ऐसे करके न्यूरॉन है, ये देखिए ऐसे करके, ये तो कुछ कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं ना, यहां देखिए क्या होता है न्यूरॉन कुछ कैसे होते हैं, ये मान लीजिए एक्सोन है, ये इसका टर्मिनल एंड है और यहां पर साइटोन है, अब बेटा फिर इधर से एक्सोन हो जाता है, तो ये क्या हो गया, इसको बाइपोलर कहते हैं। यानी यहां पर क्या है, ये साइटोन क्या कहिएगा बीच में है और ये साइड वाला क्या है, दिस इज एक्सोन, दिस इज एक्सोन। लेकिन एक होता है स्यूडो यूनिपोलर, तो स्यूडो क्या होता है देखिएगा, स्यूडो में क्या होगा, ये एक्सोन है और यहां पर ऊपर में यहां पर क्या होता है, ये साइटोन। अब बेटा ये जो है ना एक्सोन यही है, यानी यहां पर एक्सोन डबल नहीं है, एक्सोन एक ही है, एक्सोन एक ही है, ये कंटिन्यू है और बीच में यहां पर क्या है साइटोन है। तो ये साइटोन जो है ये सिंगल, सॉरी ऊपर में है और एक्सोन यहां पर क्या कहेगा सिंगल है। तो ये सही मैंने दिख कैसा रहा है, लगता है बाइपोलर की तरह है, जैसे बाइपोलर में हमने क्या देखा था कि एक्सोन यहां पर साइटोन और फिर एक्सोन, तो ये बेटा कहां है साइटोन आता था यानी सोमा बीच में, इधर भी एक्सोन इधर भी एक्सोन, तो ये बाइपोलर है। और यहां पर क्या है बेटा, ये एक्सोन ऐसे लंबा चला और इधर आपका यहां पर क्या कहोगे साइटोन, तो ये एक्सोन जो है ये सही माने में डबल नहीं है, यह है कितना सिंगल, लेकिन दिख रहा है किसके जैसा डबल, यानी झूठा बाइपोलर, यानी है नहीं लेकिन दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं स्यूडो बाइपोलर क्या कहिएगा न्यूरॉन। तो ये बेटा जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया है ना, याद रखना ऐसे क्वेश्चन आता है, ये एक्सोन है जिसमें लेकिन बटी कैसा है स्यूडो वाला है।
खैर हटाइए वो, लेकिन बेटा ये जो आपका साइटोन है हमारे सीएनएस के बाहर है, तो जब सीएनएस के बाहर होगा तो नाम दिया गैंग्लियोन, यानी सीएनएस के बाहर कहां, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है। तो अब गौर करिएगा, देखिए एक बार हम रिपीट, यहां से कंफ्यूजन हो गया होगा, एक बार लाते हैं आपके, जब इस पैर पर यानी ठेहुने पर जब आपका चोट दिया गया तो बेटा यहां से स्टिमुलस कहां गया, ये क्वाड्रेटिप्स मसल में, यहां चूंकि रिसेप्टर थे और ये रिसेप्टर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के थ्रू यहां से एफरेंट, हम बोले ना आ जाओ, तो ये एफरेंट पाथवे के रास्ते ये कहां गया, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड के किस हॉर्न में गया, पोस्टेरियर हॉर्न में। तो बेटा यहां पर तो इधर थोड़ा बन गया है बट याद रखना पोस्टेरियर हॉर्न, और बेटा ये जाके यहां पर ब्रांच कर गया है। ये क्यों किया इस पर भी बहुत डिटेल में अभी हम लोग एक एक बात को देखते हैं। तो ये लेकिन याद रखना यहां पर कि ये जो रेड वाला जा रहा है ना, ये रेड वाला ये एफरेंट है, ये एफरेंट है, यानी इसमें हम डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि देखोगे आपका इधर से किधर जा रहा है जी, टुवार्ड्स स्पाइनल कॉर्ड। तो देखोगे ये इधर जा रहा है, ये जा रहा है लेकर के, ये क्या लेके जा रहा है, स्टिमुलस किसको देने जा रहा है, आपका सीएनएस को, ये देखिए जा रहा है ना, तो यानी इधर से जा रहा है और ये यहां पर जाकर के देखोगे ब्रांच किया, ब्रांच किया, और यहां पर गौर करिएगा ये जाकर के इस तरह से जब ब्रांच करेगा तो देखोगे क्या कि ये दो जगह पर जाकर के अटैच किया, कहां पर, एक बीच में याद है ना, ये इंटरकनेक्टर न्यूरॉन, अच्छा ये दोनों क्या है बेटा, ये न्यूरॉन है, अच्छा ये जो ब्लू वाला है ये कैसा है, ऑर्डर देने वाला है, जैसे कि आपका जो यहां पर जर्क लगा, जो हथौड़े का चोट लगा तो ये तो स्टिमुलस था, ये जाएगा आपके सीएनएस को, लेकिन ऐसा थोड़ा कि डॉक्टर साहब उसको पीटते रहेंगे, एक्शन भी हम देते हैं ना, तो जब एक्शन की बारी आती है तो दैट इज मोटर, यानी मोटर आदेश आएगा, अब क्या आदेश आएगा तो बात की बात है, लेकिन जब आदेश, अच्छा आदेश कौन देगा, आपका ब्रेन, जैसे हमने क्या किया एक चाटा घींच के मारा, तो जो मारा तो स्टिमुलस गया, अब स्टिमुलस कहां जाएगा, आपके ब्रेन को जाएगा, अब ब्रेन वहां से क्या करेगा, दैट इज वहां से ऑर्डर देगा, जब ब्रेन ऑर्डर देगा तो उस कंडीशन में क्या करे, जो अगला चाटा लगेगा तो तुरंत घींच लीजिएगा, तो मतलब वहां पर क्या हुआ, ऑर्डर आने की बात। अब कोई कोई कहता है ना कि थेत्तर है मारते रहो नहीं हटाएंगे, नहीं वहां भी स्टिमुलस होता है, खैर वहां पर सेक्रेशन थोड़ा एबनॉर्मल होने लगता है, जैसे ड्रिंकर के पास, अब वहां पर भटके, पहले इसको समझिएगा, ये मान लीजिए गया और जाकर के ये देखोगे दोनों ब्लू कलर वाले को दे दिया, ये दो को ब्लू कलर है ना, अब देख बेटा यहां पर ध्यान से पहले क्या क्या होता है उसको कुछ समय के बाद जानेंगे, पहले ब्लू कलर वाले को देखिए, ये ब्लू कलर वाले देखेंगे एक किधर गया, ये अगला हिस्सा में है, ये आया ना न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन, दैट इज क्या इफरेंट, ये निकल के जाएगा, तो जो बॉडी से जाएगा यानी ब्रेन या सीएनएस से जो जाएगा वो इफरेंट है, और जो आएगा ये एफरेंट है। तो गौर करिए अब ये जा रहा है, कहां जा रहा है, अब ऑर्डर देने के लिए, अब जब ऑर्डर देने जाएगा ना तो देखोगे एक ऊपर में और एक यहां पर नीचे में, ये ऊपर में जो मसल है ना ये दैट मसल आर क्वाड्रेप्टस मसल, और नीचे वाला क्या है, हैंस, क्या कहेगा, हैमस्ट्रिंग मसल। कभी कभी आप लोग देखे होंगे जिम करने वाले को कि कभी कभी देखिएगा ना ऐसे बॉडी अगर ऐसे करते हैं तो क्या करते हैं, पीछे का मसल घिंचा आ गया है, कभी कभी तनाव आता है, सुनते होंगे, ये पीछे से यानी नीचे से ऐसे करके मसल चलता है, इसी को कहते हैं हैमस्ट्रिंग, क्या कहिएगा, मसल, इसी मसल में डिस्टर्बेंस आता है। अब यहां पर दो बातें होंगी, गौर से देखोगे, ये जब गया तो एक गया न्यूरॉन किसको ऑर्डर दिया, दैट इज क्वाड्रेप्टस मसल को, ये क्वाड्रेप्टस को, बेटा जब इसको जाएगा ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा कौन, ऊपर वाला मसल, यानी समझो कि ये ऊपर वाला जो जाएगा ना
ये जब क्वाड्रिप्टस मसल को जाएगा तो वो मसल क्या करेगा, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो नीचे वाला दैट इज हैमस्ट्रिंग मसल है, ये रिलैक्स करता है। बेटा ये दोनों ऑर्डर जा रहा है। देखिए यहां से हम बोले थे ना मोटर का काम ऑर्डर देना, अब यहां पर दो तरह का ऑर्डर जाएगा। एक ऊपर वाले को ऑर्डर जाएगा क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मसल को, और नीचे वाले को क्या जाएगा, दैट इज क्या कहिएगा, रिलैक्स करने के लिए। यानी दो कामें यहां पर एक साथ होगी, दैट मीन एंटागोनिस्टिक काम होगा, एक दूसरे का यहां पर अपोजिट होगा। कहेगा ई क्यों होता है, ये अपोजिट क्यों, जब ऑर्डर आया तो एक को हम कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और एक को क्या करें, रिलैक्स किया जाता है। तो याद रखिए जैसे इसको आप ऐसे करके बोलो तो ठेवना ऐसे समझोगे, ये आपका ऐसे करके है, तो यहां पर कौन मसल है, दैट इज क्वाड्रेटस मसल है, और नीचे में कौन है, दैट इज हैमस्ट्रिंग मसल, या नीचे में है। तो कह रहा है क्या, ये ठेवना समझोगे, मेरे ठेवने को समझिएगा, ये ऊपर वाला क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। देखिए अब तब इसका रिजल्ट क्या होगा, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से देखो, अब इसको तो ठेवना बना नहीं सकते, दिक्कत हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, ऐसे करके करेगा तो घींचेगा, यानी इसको ऐसे घींचेगा, कॉन्ट्रैक्शन में घींचेगा, तो ये जब घींचेगा ऐसे करके, ये ऐसे करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऊपर आएगा, और यहां वाला जो मसल है ये रिलैक्स करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, दैट इज आपका पैर अगर ऐसे करके पैर है और ये जो आपका इस पर चोट लगता है तो एक स्टिमुलस यहां से जाएगा, यहां का मसल जब यहां का कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आपका ऐसे घिंचाएगा, और नीचे वाला जब रिलैक्स करेगा तो पैर आगे की तरफ जाएगा। तो गौर करिएगा, एक फिर से मेरी बात को समझिए, थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, ये पैर चुके हम दिखा नहीं पा रहे हैं, ये जैसे ऐसे करके है ना, ध्यान से एक बार और देखोगे, इसको समझो मेरा ठेवना है, ये समझो ऐसे करके, और अगर ऐसे करके है तो ऐसे ऐसे पैर नहीं, हम लोग आगे पीछे मान लीजिए इस तरह से, मतलब एक तरह से हैंगिंग करते हैं। अब आप देखोगे हम क्या बोल रहे हैं, ये ऊपर में, तो यहां पर जो मसल है तो ये मसल को हम कह रहे हैं दैट इज क्या, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, दैट इज क्वाड्रिप्टस मसल, क्वाड्रिप्टस मसल ऊपर में है, और ये नीचे में जो है हैमस्ट्रिंग मसल है, हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला रिलैक्स करेगा, जब ये रिलैक्स करेगा तो इधर फेंकेगा। मेरी बात को ध्यान से समझोगे, ये जब रिलैक्स करेगा तो ये आगे की तरफ जाएगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट इसको इधर में खींचना है, ये ऊपर वाला इधर खींचना है, तो ये ऐसे खींचेगा और इधर वाला रिलैक्स करेगा, तो ये एक दूसरे का अपोजिट वर्क होगा। और ये ऑर्डर कैसे आएगा, देखिएगा यहां से। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि एक तो दिया क्या करने के लिए ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और दूसरा क्या गया, रिलैक्सेशन के लिए। लेकिन बेटा इस दोनों को नाम देंगे इफरेंट पाथवे, क्योंकि मोटर है ना, ये आदेश लेके जा रहा है। तो इफरेंट कौन था, ये तो ये था, ये रेड वाला था जो लेके गया था, ये रेड वाला जो ले जाकर के दिया था वो तो एफरेंट था, और ये दोनों क्या कहिएगा, आपका इफरेंट होगा। जब ये जाएगा तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि जब ये दोनों इफरेंट है तो बेटा एक यहां पर कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है और एक मसल के रिलैक्सेशन की बात हो रही है। तो गौर करिएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन अगर रिलैक्सेशन ना हो, ये ब्रेन में क्वेश्चन आता है कि मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और संयोग से ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तब ऐसे स्थिति में क्या होगा। अब आप पेशेंट आप लोग देखे होंगे, कभी कभी देखिएगा कोई कोई का ये, अब मेरा पैर ही नहीं दिख रहा, हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन देखोगे आप, समझो क्या कि मेरा यही मान लो पैर है, इसी को पैर समझो। अब देखिए हम चलते हैं कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे मुड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके मुड़ते रहता है मेरा पैर, हम लोग जब चलते हैं कभी भी चलेंगे ना तो जी ये आगे ऐसे ऐसे करके मुड़ेगा तो हमारा स्पीड आगे बढ़ता है। अब देखोगे हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो हम चल रहे हैं, लेकिन बेटा अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, कहां का, ठेवने का मसल, तो जब कॉन्ट्रैक्ट दोनों करेगा तो ऐसे कंडीशन में आपका पैर ऐसे स्ट्रेट, याद कीजिए अभी हम क्या बोले थे, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करके ठेवना है ना जी इसको, और ये ठेवना आपका है, ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जब ऐसे करके खींचेगा तो ये इधर जाएगा, लेकिन इसको रिलैक्स होना चाहिए था,
लेकिन जब ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोल्ड ही नहीं होगा, अब पैर उसका ऐसे रहेगा, तो कोई देखिएगा चलेगा ना तो पैर को फोल्ड नहीं कर पाता ऐसे ऐसे करके पैर को, यानी कहने का मतलब वो चलेगा ना एक पैर तो फोल्ड करेगा और एक उसका क्या कहिएगा सीधा रह जाता है। तो ये आपका डिजीज है, ये न्यूरल डिजीज होते हैं और बहुत तरह का, पर क्या कहिएगा अब इतना डिटेल में आपको एनसीईआरटी में चर्चा नहीं किया, लेकिन हमने यहां पर दो बातें बोली, इस बात को अच्छी तरह से याद रखोगे, एक ऊपर वाला यानी ठेहुना के ऊपर का, ये अगर ये ठेहुना है तो इसके ऊपर वाला जो मसल था दैट इज क्वाड्रिप्टस मसल वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और नीचे वाला जो मसल है दैट इज क्या कहेगा हैमस्ट्रिंग मसल ये रिलैक्स होता है, इसीलिए इसको कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल, किसका ये दैट इज क्या कहेगा क्वाड्रिप्टस का, इसीलिए इसको कहते हैं दैट इज क्या कहते हैं एगोनिस्टिक मसल, यानी ऊपर वाले को एगोनिस्टिक मसल और नीचे वाले को एंटागोनिस्टिक मसल कहते हैं। खैर ये तो आपका इस बात को शायद कुछ समझे होंगे, लेकिन थोड़ी सी बात यहां पर देखते हैं, थोड़ी बात को देखिए, दो मिनट और यहां लगेगा। हमने क्या बोला, यहां से ये जो चला था रेड वाला ये तो स्टिमुलस लेके गया था, और ये करता क्या है, ये स्टिमुलस आएगा ना तो इस जगह पर बेटा देखा यहां पर इस न्यूरॉन का साइटोन का स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है ना, अब इसका यहां पर न्यूक्लियाई नाम पड़ जाएगा। आप याद करो जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात किए थे ना, अगर याद होगा आप लोग को तो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब क्या करता था, दो तरह के हार्मोन को बनाता नहीं था, ब्रेन से बने हुए हार्मोन को सेक्रेट, कौन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, याद होगा बर्थ हार्मोन जिसको बोले थे, तो वहां पर कौन निकाला था दो न्यूक्लियाई, कोई बोलिए तो कौन से दो न्यूक्लियाई थे हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में, कोई भी जवाब दीजिए जल्दी से, हाइपोथैलेमस में दो, और एक का काम था ऑक्सीटोसिन को निकालना और एनदर वन इज क्या वैसोप्रेसिन, कोई जवाब दो, तो याद कीजिए एक क्या था सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, बेटा याद रखो हमने बोला था ना सीएलएस के अंदर होगा तो न्यूक्लियाई, तो नाम पड़ गया क्या सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और एक क्या हो गया पारा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, चूंकि हमारे सीएलएस ब्रेन में है तो ही बात यहां पर कह रहे हैं, चूंकि स्पाइनल कॉर्ड में है अब देखो क्या हुआ, इसलिए इसका नाम है न्यूक्लियाई, यहां पर नाम क्या दिए गैंग्लियोन। अब देखो ध्यान से, ये जब इसको गया ऑर्डर देने, मतलब ये इस पर क्या करेगा आके सेक्रेट करेगा, क्या सेक्रेट करेगा एक्साइटरी क्या कहिएगा न्यूरोट्रांसमीटर, ये दैट इज एक्साइटरी, एक्साइटरी एक्साइटेशन से है, एक्साइटरी जब ये न्यूरोट्रांसमिशन करेगा तो क्या करेगा ये एक्साइट हो जाएगा, ये एक्साइट उछलने लगा, अब काम करेंगे, एक्साइटेशन में आ गया, और ये एक्साइट होकर के क्या करेगा जा करके इस क्वाड्रेटस मसल को ऑर्डर देगा बेटा तू कॉन्ट्रैक्ट हो जा, तो कहिएगा अच्छा चलो अच्छी बात है ये दिया, लेकिन ये जो है ये भी वही चीज सेक्रेट करेगा, यानी एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, बड़ी अजीब हो गया, आपने बोला कि ये सेक्रेट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन, और ये भी जब वही केमिकल सेक्रेट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कहां करना है, ये इसको भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने भी पढ़ा कि ये नीचे वाला क्या करेगा रिलैक्स करेगा, बात सही है, देखिए नेचर का क्या करिश्मा है, गौर से देखिएगा ये जो यहां पर है एक्साइटरी क्या कहिएगा न्यूरोकेमिकल दिया, और ये भी वही देगा एक्साइटरी न्यूरोकेमिकल, अब देखो क्या होगा, ये वाला जो होगा एक्टिवेट होगा कौन, ये इंटर न्यूरोन या कनेक्टर जो बीच का है, अब ये कनेक्टर जब एक्साइटेड होगा तो ये बेटा इनहिबिटरी को सेक्रेट करेगा, कौन ये इंटर कनेक्टर, बेटा ये जो रेड वाला आया था ये जो एफरेंट आया था ये यहां पर भी सेक्रेट किया एक्साइटरी और ये भी सेक्रेट किया एक्साइटरी, एक्साइटरी क्या करेगा एक्साइटेड होकर जाके कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, लेकिन बेटा ये यहां पर तो एक्साइटरी सेक्रेट करेगा लेकिन ये न्यूरॉन एक्टिवेट होगा,
लेकिन इंटरकनेक्टर न्यूरॉन क्या करेगा, यहां पर जाकर के इनहिबिटरी सिग्नल दे देगा कि बेटा अब तुम कॉन्ट्रैक्ट मत होना, चूंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। यानी ये सिग्नल देगा तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्शन करना छोड़ देगा, दैट मींस ये रिलैक्स करना स्टार्ट कर देगा, और इस तरह से हमारे पैर का मूवमेंट आसानी से चलता है। यही मेन इसका चर्चा एनसीईआरटी में बेटा डायग्राम बनाया, हम बार बार कर, एक वर्ड भी नहीं लिखा है, इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से ब्रेन में रखिएगा। बस बहुत बातें नहीं, दो बातें, ये इधर से आया ऑर्डर चला, ऊपर वाला क्या करेगा, ऊपर वाले को कॉन्ट्रैक्ट, नीचे वाले को रिलैक्स। यही मेन कारण है कि हमारा जर्क देने के बाद ठेहुना पर पैर क्या कहिएगा, आगे की तरफ क्या कहिएगा, आपका थोड़ा जम कर जाता है। खैर ये हमारा था, दैट इज क्या कहिएगा, रिफ्लेक्स क्या कहिएगा, आपका एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन था। अब बउआ हम हिस्टोलॉजी की बात करेंगे, किसका हिस्टोलॉजी, तो गौर करिएगा आपका सीएनएस के हिस्टोलॉजी की हम बात करेंगे। यानी सीएनएस के हिस्टोलॉजी में क्या देखेंगे, दैट इज क्या कहिएगा, आपका सो कॉल्ड एक न्यूरॉन के बारे में, हमारा न्यूरॉन ये किस तरीके से हो गया भैया, किस तरीके से आपका दैट इज क्या कहिएगा ये काम करेगा, इसी के बारे में, इसी के हो गया, इसी के बारे में क्या कहिएगा हम डिटेल में आपका चर्चा करते हैं। अब बेटा ध्यान से देखोगे सभी कोई, यहां पर क्या एक हेडिंग उन्होंने बनाया, हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सीएनएस। बेटा हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे। आपको याद होगा सबसे बड़ी बात, एक न्यूरॉन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल। ये हमारे बॉडी का नर्व सेल ही एक ऐसा सेल है जिसके कारण हम किसी भी तरह का स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, या उसके रिगार्डिंग हम आगे क्या कहिएगा, दैट इज क्या कहिएगा, एक्शन देते हैं। ये दोनों जो बातें होती है ना, ये दैट इज किसके कारण, तो आपका ये न्यूरॉन के कारण या नर्व सेल के कारण। कुछ देर बेटा शांति से सुनोगे, अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, क्वेश्चन यहां से अच्छा खासा आएगा। अब गौर करिएगा, ये मान लो एक न्यूरॉन है, अच्छा इस न्यूरॉन में यानी हमारा जो नर्व होता है ना, ये नर्व बेटा दो तरह का होता है। जैसे मान लीजिए ये नर्व सेल है बेटा, आपको पता होगा साइटोन या दैट इज मान लीजिए सोमा, और ये बुआ इसका एग्जोन, ये एग्जोन है, और इसी का ये क्या है, दैट इज ये टर्मिनल एंड। अब ये पोर्शन है आपका साइटोन, ये आपका एग्जोन, और ये आपका टर्मिनल क्या कहिएगा, एंड, जो भी है एक्सिलरी, इसका एंड मान लीजिए आपका एग्जोन टर्मिनल कहते हैं। अब वह गौर करना, ये एक नर्व सेल है बेटा, इसका अगर कलर की बात हम करें ना, तो ग्रे कलर होगा, इसको हम ग्रे कलर कह देंगे। लेकिन ये जो हमारा एग्जोन है ना, ये जो हमारा एग्जोन है ना, ये एग्जोन दो तरह का होता है, एक माइलिनेटिंग न्यूरॉन। बेटा टेंशन नहीं लेना है, बहुत डिटेल आएगा लेक्चर, दो लेक्चर के बाद। ये यहां पर कौन आता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन, यानी कि ऐसा न्यूरॉन जिसके चारों तरफ माइलिन का शीथ है, ये इसके चारों तरफ माइलिन का शीथ है, और माइलिन शीथ कैसा, ये समझिए उजला रंग का एक पेंट है,
जैसे सिंपल वे में समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए मेरा ये आर्म, इसी को समझिए ध्यान से, इसको आप साइटोन समझो, इस मुट्ठी को, ये मुट्ठी को मान लीजिए साइटोन समझिए, और गौर करिएगा ये जो मेरा पोर्शन है आप इसको बेटा ध्यान दोगे, ये आपका एक्सोन है, मेरी बात को ध्यान से समझोगे। अब अगर ये साइटोन है, ये मेरे मुट्ठी को क्या कहते हैं, साइटोन, और ये बेटा क्या है, एक्सोन है। अभी इस साइटोन का कलर और एक्सोन का कलर, ये दोनों का कलर क्या है, सेम है, यानी जैसा कलर साइटोन का वैसा ही कलर किसका है, एक्सोन का भी है, यानी दोनों के कलर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि देख ही रहे सेम कलर है। लेकिन गौर करोगे अगर ये एक्सोन है, इसमें बेटा ध्यान देना, यहां पर उजला रंग का ऐसे करके चारों तरफ से पेंट कर दिया जाए, मान लो यहां पर गोल एकदम ऐसे राउंड पेंट, फिर यहां पर ऐसे करके यहां पर राउंड पेंट, फिर यहां से राउंड पेंट, बीच बीच में थोड़ा सा गैप कर दिए, उसी कहते हैं नोड ऑफ रेनिवियर्स। खैरेट आइए, बोलने में कंफ्यूजन होगा, खैरेट आइए, यहां देखिए, ये मान लो इसके चारों तरफ ने व्हाइट व्हाइट कलर का पेंट कर दिया चारों तरफ से। अगर हम इसको पेंट कर दिए, अब देखो बेटा कलर बदल गया, ये वाला कलर क्या दिखेगा, अब व्हाइट दिखेगा, और ये वाला कलर क्या दिखेगा, अब मान लीजिए जो नेचुरल कलर ग्रे कलर दिखेगा, तो ये ग्रे कलर दिखा, और अगर इस पर उजला पेंट है तो ये व्हाइट कलर दिखा। तो अगर एक न्यूरॉन की बात करोगे, यानी एक नर्व सेल की बात करोगे, तो हमारा नर्व सेल ये दो तरह का होता है। एक ऐसे नर्व सेल होते हैं जिसको माइलिनेटेड नर्व कहते हैं, दैट मींस उसके चारों तरफ माइलिन का शीथ है, और एक ऐसा न्यूरॉन होता है जिसके चारों तरफ माइलिन का शीथ नहीं होता है, तो दैट इज ए नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब सोचो कि हमारे ब्रेन का वो हिस्सा, हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो किससे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से बना हो, उसका कलर कैसा दिखेगा, ग्रे कलर। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से बना हो, पक्का है ग्रे कलर दिखेगा, या नहीं तो किससे, इससे और इससे बना होगा तो क्या दिखेगा, ग्रे। और वैसा न्यूरॉन अगर माइलिनेटेड नहीं होगा तो पूरा न्यूरॉन से ग्रे। अरे अगर न्यूरॉन नॉन माइलिनेटेड हो तब तो पूरे न्यूरॉन से ही ग्रे पार्ट बन जाएगा, लेकिन मान लो अगर न्यूरॉन माइलिनेटेड हो तब तो पक्का है ये वाला पोर्शन व्हाइट बना देगा, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या होगा, ग्रे होगा। अब जैसे इसी को मान लो, अभी क्या किए थे, ऐसे इसको बेटा देख ऐसे फोल्ड कर दो, ये ऊपर फोल्ड कर दो, इधर फोल्ड कर दो, तो ये ऊपर ग्रे, ये ऊपर ग्रे, आई बीच वाला क्या हो गया, व्हाइट। तो ये तो अरेंजमेंट के बेसिस पर है, यानी कहना यहां पर क्या चाह रहे हैं कि अगर न्यूरॉन नॉन माइलिनेटेड हो तब तो पूरा ग्रे कलर होगा, कोई टेंशन नहीं कि अगर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का बना होगा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तो पूरा ग्रे मैटर। लेकिन अगर न्यूरॉन माइलिनेटेड होगा तो साइटोन वाला पोर्शन और एक्सोन टर्मिनल वाले पोर्शन का बना होगा तो ग्रे, अगर ये एक्सोन से बनेगा तो व्हाइट। इसी बात को देखिए इंडिकेट किया गया। ये बेटा क्या है, नाम पहले देख लीजिए, थोड़ा ऐसे करके निकला होगा डेंड्रोन डेंड्राइट्स, ये वाला पोर्शन क्या है, ये पूरा हेड साइटोन या सोमा, एक्सोन हाइलोक यहां पर होता है, एक जोन बेस यहां पर, एक जोन हाइलोक बताएंगे बेटा, एक दो लेक्चर और इंतजार कीजिए।
ये एक जोन बेस है, तो ये पूरा कलर कैसा है, ग्रे, और अगर ये नॉन माइलिनेटेड, देखो इफ नॉन माइलिनेटेड तो ये भी ग्रे, और ये तो आपका ग्रे होगा ही, तो दैट मीन्स ये पूरा न्यूरोन आपका ग्रे मैटर। लेकिन अगर मान लो न्यूरोन माइलिनेटेड हो तो माइलिन सिर्फ इसी पर होता है, तो ये वाला पोर्शन ग्रे कहलाएगा, ये वाला पोर्शन ग्रे कहलाएगा, और ये बीच वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, व्हाइट कहलाएगा। तो बस इसी चीज का तो अरेंजमेंट हमारे ब्रेन में, और अगर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इसका अरेंजमेंट कैसे, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा अरेंजमेंट होगा जो सिर्फ ये पोर्शन होगा, या पूरी तरह से नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा, तो पूरी तरह से क्या होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रे मैटर होगा। और अगर मान लीजिए आपका ये पोर्शन का बना होगा तो दैट इज व्हाइट मैटर होगा। नहीं, आवाज आ रही होगी, अब गौर करिएगा न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा, 5 मिनट और आप ध्यान से देखोगे। हम कह रहे हैं क्या, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस के समय क्या बेटा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन कहां पर, एम्ब्रियोजेनेसिस दैट मींस बउआ कहां पर है, मम्मी के यूट्रस में पल रहा है, बउआ का जन्म नहीं हुआ अभी, बउआ मां की गर्भ में पल रहा है, नहीं बोल रहा है, हम और आप कोई भी जब हम लोग मम्मी के यूट्रस में पल रहे थे उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय क्या होता है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों में बेटा ग्रे मैटर इनर और व्हाइट मैटर आउटर, कब, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। कहां पर बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में क्या हुआ, ग्रे मैटर इनर और व्हाइट मैटर आउटर, कहां, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बोथ, कब, एम्ब्रियोनिक लाइफ, यानी ग्रे इनर व्हाइट आउटर, याद रखना। जन्म के बाद स्पाइनल कॉर्ड वैसा ही रह जाता है, क्या, ग्रे मैटर इनर और व्हाइट मैटर आउटर, ऐसा ही रह गया। लेकिन ब्रेन के अलग अलग पार्ट में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में इम्ब्रियोनिक लाइफ में भी वही और आफ्टर बर्थ भी वही, ग्रे इनर व्हाइट आउटर। लेकिन जन्म के बाद हमारे ब्रेन में न्यूरॉन का अरेंजमेंट कुछ अल्टर होता है। देखोगे क्या, सेरेब्रम और सेरेबेलम में ग्रे मैटर आउटर व्हाइट मैटर इनर, कहां जी, सेरेब्रम और सेरेबेलम में, पढ़ो अच्छी तरह से, ग्रेट मैटर आउटर और व्हाइट मैटर इनर। लेकिन आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब में पूरा व्हाइट मैटर होगा, जगह जगह ग्रे मैटर का प्रोजेक्शन होगा, और रिमेनिंग पार्ट्स मोस्टली क्या कहेगा, मिक्सचर ऑफ ग्रे मैटर इन व्हाइट मैटर, यानी मैक्सिमम, यानी ब्रेन का यह हिस्सा छोड़ दो तो और जगह जैसे मिडल ऑफ लिंगाटा, पॉन्स, मिड ब्रेन जो भी होंगे, वो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या होते हैं, आपस में अल्टरनेट वे में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो ये हमारा पूरी तरह से बेटा, हमने देखा क्या, डिटेल में आपका सीएनएस को देखा, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आज जाकर के इंड हो गया पूरी तरह से। अब जो हम अगला लेक्चर, अब छोटा छोटा पार्ट है, अब मुश्किल से 3 लेक्चर अगर जम के लेंगे या 4 लेक्चर में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद तब हम लोग एक न्यूरोट्रांसमीटर देखेंगे, है अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका इसको जहां तक हो सकता है इजी वे में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और आप इसको अच्छे तरीके से क्या कहिएगा, आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।